आपको बता दें कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करने के विचार में खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने एक इंटरव्यू में कहा कि सभी तरह के विकल्प खुले हैं। अगर हमारे आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला है कि महागठबंधन तेजस्वी को सीएम के चेहरे के रूप में पेश करने के लिए राजी है तो हम इसके साथ जाएंगे। जी हां, आरजेडी के सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक है कि सीएम चेहरा होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी द्वारा सुझाए गए नेतृत्व के मुद्दे और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर मतभेद का हवाला देते हुए महागठबंधन से अलग हो गए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव को महागठबंधन के सीएम चेहरे के रूप में पेश किए जाने की पूरी तैयारी है। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने पर उसे कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि आरजेडी सुझाव दे रही है कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाता है तो उनके कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और युवा भी महागठबंधन की ओर आकर्षित होंगे। जी हां, कांग्रेस नेता ने कहा कि हम सभी विकल्प देखेंगे। अगर महागठबंधन किसी को सीएम चेहरे के रूप में पेश करता है तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इससे गठबंधन को फायदा नहीं है तो हमें इस बारे में सोचना होगा। जी हां, उधर कांग्रेस महागठबंधन में वामपंथी धड़े को भी लाने की कोशिश में है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से पता चला है कि सीपीआई को महागठबंधन में जोड़ने का संदेश आरजेडी को दिया जा चुका है। आरजेडी को कांग्रेस पार्टी का संदेश साफ है। जी हां, गठबंधन को बरकरार रखने के लिए पहले सीपीआई सहित वाम दलों के साथ सीट साझा करने का फॉर्मूला हल करें। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इस बार 65 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा थी जिसमें आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां थी। आपको बता दें कि कांग्रेस में 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 27 पर जीत दर्ज की गई थी। तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट।